दोस्तों अपना सीट बेल्ट कसकर बांध लीजिए, क्योंकि हम जा रहे हैं मध्य प्रदेश की वाणिज्य राजधानी इंदौर सिटी में, और आज हम इंदौर और उसके पर्यटक स्थलों के बारे में बातें करेंगे। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहिए। और दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि आपको मेरे नए नोटिफिकेशन मिलते रहें। इंदौर शहर को मध्य प्रदेश का दिल भी कहा जाता है, और ये सबसे घनी आबादी वाला शहर है, और 2011 की जनगणना के अनुसार इसकी जनसंख्या 21,67,447 है। और दोस्तों यह आबादी सिर्फ 430 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और दोस्तों यह शहर बहुत ही खूबसूरत शहर है, और यह मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से सिर्फ 190 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, और इंदौर शहर का नाम इंदेश्वर मंदिर के नाम पर रखा गया। और आप इंदौर शहर में आने जाने के लिए हवाई यान, बस यान और रेलवे यान का उपयोग कर सकते हैं। और इस शहर को शिक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो ये शिक्षा के लिए एक गढ़ रहा है। और दोस्तों ये भारत का एकमात्र शहर है जहाँ पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दोनों स्थित हैं। और इन सब के अलावा इंदौर शहर घूमने के लिए भी एक विशिष्ट स्थान रखता है, और आप यहाँ पर आकर इंदौर की घूमने की जगहों का लुत्फ़ उठा सकते हो, जिनमें से खजराना गणेश मंदिर। खजराना गणेश मंदिर मुख्य स्थलों में से एक है, और यहाँ पर गणेश मंदिर का निर्माण परोपकारी रानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा किया गया था, और ऐसा माना जाता है कि उसने औरंगजेब के प्रकोप से भगवान गणेश की मूर्ति की रक्षा के लिए इस शक्तिशाली मंदिर का निर्माण करवाया था। और आप इस मंदिर में आकर कुछ शांत क्षणों को प्राप्त कर सकते हैं। और ये मंदिर 24 घंटे खुला रहता है, और मुख्य रूप से बुधवार और रविवार को यहाँ पर बहुत ज़्यादा संख्या में श्रद्धालु आकर दर्शन करते हैं। दूसरे नंबर पर आता है राजबाड़ा। इंदौर के पर्यटक स्थलों में से राजबाड़ा एक विशिष्ट स्थान रखता है, और यह 7 मंजिला ऐतिहासिक आकर्षक होलकर राजवंश का शाही निवास था, जिसे होलकर वंश के संस्थापक मल्हार राव होलकर ने 1747 ईस्वी में बनवाया था, और 1984 के दंगों के समय में इसे आग लग जाने से बहुत क्षति पहुंची थी, और उसके बाद इसको कुछ सीमा तक पुनर्निर्मित करवाने का प्रयत्न किया जा रहा है। तीसरे नंबर पर आता है पतालपानी। पतालपानी इंदौर शहर से 36 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, और ये महू तहसील में स्थित है, और यहाँ पर 300 फीट ऊंचाई से नीचे जल गिरता है, और यह झरना अपनी प्राकृतिक सुंदरता और सौम्य दृश्य के लिए इंदौर पिकनिक स्पॉट में से एक है। और आप यहाँ पर बरसात के मौसम में आकर प्रकृति का लुत्फ़ उठा सकते हो। चौथे नंबर पर आता है राला मंडल अभयारण्य। राला मंडल अभयारण्य इंदौर शहर से 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, और राला मंडल अभयारण्य इंदौर शहर की एक शानदार जगहों में से एक है, जो कि चारों तरफ से जंगलों से घिरी हुई है, और यहां पर पर्यटकों को लुभाने के लिए डियर पार्क बनाया गया है, और डियर पार्क में आप सफारी का मजा ले सकते हो। पाँचवें नंबर पर आता है सराभा बाज़ार। दोस्तों यदि आप खाने के शौकीन हो और आप इंदौर शहर आए हो और सराभा बाज़ार नहीं गए हो, तो आपकी इंदौर की यात्रा पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि सराभा बाज़ार के बिना आपकी यात्रा पूरी हो ही नहीं सकती, क्योंकि यहाँ पर आपको विभिन्न प्रकार के व्यंजन देखने को मिलेंगे, जिनमें से भुट्टे के कीज, गट्टू चाट, साबूदाना की खिचड़ी और दही बड़े, और इसके अलावा 6 स्वाद वाली पानीपुरी, जिसे स्वादिष्टता का लाभ उठा सकते हो। और इन सब के अलावा आपको मावा बाटी और जलेबी भी यहाँ पर मिलेगी। और दोस्तों इन सब के अलावा भी इंदौर शहर में बहुत से धार्मिक स्थल और पर्यटक स्थल हैं, जो कि आप यहां आकर उनका घूमने का लुत्फ़ उठा सकते हो। और आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ नई जगह पर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।